फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर टेंथ जो है गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन क्रोसिव इन नेचर ठीक है हमें एग्जांपल्स देनी है जिससे हमें बताना है कि जो प्लास्टिक्स हैं वो नॉन क्रोसिव होते हैं नेचर में नॉन क्रोसिव क्या होते हैं जिनमें रस नहीं लगते जिनमें जंग नहीं लगता है ठीक है तो आंसर हमारा वी कैन स्टोर वेरियस काइंड ऑफ केमिकल्स एंड अदर मटेरियल्स एंड प्लास्टिक कंटेनर्स हम क्या करते हैं हम बड़े तरह के केमिकल्स और कुछ अदर मटेरियल हैं उनको हम क्या करते हैं प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर कर देते हैं क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं ठीक है ठीके? और वो रिएक्ट नहीं करता वाटर और एयर के साथ ठीक है प्लास्टिक क्या होता है ये नॉन रिएक्टिव होता है और ये वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है ठीक है टेफलॉन अ काइंड ऑफ प्लास्टिक इज यूज एज कोटिंग टू मैन्युफैक्चर नॉन स्टिक कुकवेयर टेफलॉन क्या है एक ये प्लास्टिक है ठीक है जिसको यूज़ किया जाता है जब भी नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं हमारे जिनमें नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जब वो बनते हैं तो उनके ऊपर इसकी कोटिंग की जाती है उनको मैन्युफैक्चर करने में ठीक है बेकलाइट इज अ पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेकलाइट क्या है ये हमारा ओवर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस इसलिए इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में और हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स मीन बर्तनों के हैंडल बनाने में ठीक है मेलामाइन इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स एंड किचनवेयर जो मेलामाइन है इसको यूज़ किया जाता है जो हमारी फर्श पर टाइल्स लगती हैं ठीक है थीके? और जो वेयर होती हैं किचन का सामान वगैरह होता है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू